वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं निखिल चावला, इन्होंने लिखा है कि इन्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। स्टैमरिंग यानी हकलाने की प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज रहता है और ख़ासतौर पे ऑफिस की मीटिंग्स में और पब्लिक प्लेस में या सोशल गैदरिंग में ये काफ़ी अपमानित सा महसूस करते हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी हो गई है वहाँ जाने में। तो इसके लिए अगर कोई होम रेमेडी हो तो बता दें। देखिए निखिल जी, होम रेमेडी मैं बता रहा हूँ और इफेक्ट भी बहुत जल्दी करेगी आपको ये होम रेमेडी। साथ में आपको थोड़ी सी वॉइस एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। एक प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम, वो उज्जयी प्राणायाम आप करें, और एक उद्गीत प्राणायाम होता है जिसमें आप सिंपल बैठकर ओम का उच्चारण करते हैं, आंख बंद कर इस तरह से ओ सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर आप ये 21 बार इसका उच्चारण करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने लगेगी। इसके साथ में उज्जयी प्राणायाम जो होता है उसमें आपको सांस भरनी है और सांस भरने के बाद सांस पूरी बाहर निकाल देनी है, और बाहर निकालने के बाद मुंह बंद रखते हुए नाक से ओम का उच्चारण करते हुए सांस को अंदर भरना है। मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये सांस भरी आपने, फिर पूरी सांस छोड़ दें। इस तरह से पूरी सांस भर लें, लंग्स पूरे आपके फूलने तक। इसमें हो सकता है बीच में आपको खांसी आ जाए, लेकिन इससे क्या है आपकी पूरी गले की एक्सरसाइज हो जाएगी और आपकी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और अब मैं आपको रेमेडी बता देता हूं। सीजन में आपको क्या करना है, रोज एक हरा आंवला खाना है, चबा चबा कर खा लें आप उससे। उससे क्या होता है, आंवला खाने से ना जीभ जो है आपकी, जुबान जो है, टंग जो है, ये पतली हो जाती है और ये जो हकलाने की प्रॉब्लम है इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो मुंह की गर्मी है वो भी आंवला शांत कर देता है। इसके अलावा दूसरी जो रेमेडी है साथ में, इसी के साथ में आपको जो करनी है, दिन में 2 बार आपको काली मिर्च रखकर, जो ब्लैक पेपर होती है, मुंह में रखकर उसको चूसना है। उसको हल्का सा आप थोड़ा सा चबाएं और चबाकर उसको चूसते रहें, जो सलाइवा बनेगा उसको अंदर जाने दें, मतलब उसको निगलना है, थूकना नहीं है उसको। ये आपको दिन में 2 बार करना है। इसके अलावा एक तीसरा प्रयोग आप करें, ये बहुत अच्छा प्रयोग है, 7 बादाम ले लें, 7 काली मिर्च ले लें, इन दोनों को लेकर इसकी चटनी बना लें, मतलब इसको रात भर आप भिगो दें और सुबह लेकर इसको कूट लें अच्छी तरह से, महीन पीस लें। इसमें आप चाहें तो थोड़ी मिश्री मिला दें या शहद मिला दें, और दिन में 2 बार खाली पेट इसको चाट लेना है, मतलब आप 7 बादाम और 7 काली मिर्च का जितना पोर्शन बनता है, लगभग 1 से 2 चम्मच के लगभग बनता है ये, तो ये 2 चम्मच आपको खाली पेट इसको चाट लेना है। ये आप प्रयोग करें लगभग 3 महीने और आप देखेंगे कि आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसके अलावा एक प्रयोग और करना है आपको, 5 ग्राम यानी 1 चम्मच मोटी सौंफ लेना है और उसको थोड़ा दरदरा कूट लें, 5 ग्राम मोटी सौंफ को दरदरा कूट लें और फिर 300 ml पानी में इसको उबाल दें। तब तक उबालें जब तक कि पानी 100 ml ना रह जाए। फिर ये 100 ml जो पानी बचेगा उसमें 250 ml आपको मिलाना है दूध, गाय का दूध, 250 ml गाय का दूध, और साथ में लगभग 25 ग्राम 3-4 चम्मच मिश्री मिला लें और इसको घोल के दिन में 1 बार इसका सेवन करें आप, और आप देखेंगे कि आपकी जो ये हकलाने की प्रॉब्लम है ये 2-3 महीने के अंदर एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उज्जयी कर लें, उद्गीत कर लें और भ्रामरी कर लें, और आप देखिए 3 महीने के अंदर आपको हकलाने की प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी। मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम करके दिखा देता हूं। इस तरह से ये भ्रामरी प्राणायाम आप लगभग 11 बार सुबह उठ के कर लें, और इस प्राणायाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खाली पेट ही होना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप ये प्राणायाम कर लें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, बाकी जगहों पे भी बहुत फ़ायदा करेगा ये आपको, और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो थे ना बिल्कुल आसान से उपाय, ये प्रयोग सारे कर लें, जो रेमेडीज़ बताई हैं वो कर लें, थोड़े से जो प्राणायाम मैंने बताए हैं वो कर लें, और एक सिंहासन होता है, आप किसी भी आप योग शिक्षक के पास चले जाएं, सिंहासन का प्रयोग करने से भी स्टैमरिंग में बहुत लाभ मिलता है। सिंहासन के लिए क्या करना है, हाथ ऐसे पूरे खोल लेने हैं, पंजे शेर की आकृति बनानी है
और हाथ खोल के रख लेना है आपको अपने घुटनों पे, इस तरह से बैठ जाएं पालती मार के, हाथ रख लें घुटनों पे। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वज्रासन में बैठ जाएं, हाथ इस तरह से खोल लें, सांस अंदर भरें और सांस तेजी से छोड़ते हुए जीभ बाहर निकाल लेनी है, आंखें बड़ी बड़ी कर लेनी है एक साउंड के साथ, जैसे शेर का साउंड होता है, टाइगर का जैसे साउंड होता है, उस तरह से सिंहासन करने से भी आपको जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है उसमें काफी लाभ मिलेगा। मैं एक बार ये भी करके आपको दिखा देता हूँ, मैं वज्रासन में बैठ तो नहीं पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन मैं इतना पोर्शन आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। हाथ खोल के, पंजे एकदम खोल के टाइट करके रख लें अपने घुटनों पर, सांस अंदर भरें, पूरा आपका गला खिंच जाना चाहिए, एक एक नस खिंच जानी चाहिए जब ये आप साउंड निकाल के जीभ जितनी बाहर निकाल सकते हो उतनी बाहर निकाल लें, ये सिंहासन का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपको जो ये हकलाने की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो थे ना बिल्कुल आसान आसान से उपाय, तो इन उपायों को अपनाइए और आपके अंदर जो आत्महीनता की भावना आ गई है उसको दूर भगाइए। आपको आत्महीन होने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं और डॉक्टर को दूर भगाएं। धन्यवाद।